नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी आप सबको और पूरे मेरे देशवासी को और सब मेरे भाई बहनों को काजल मंगलमुखी की तरफ से और पूरे मंगलमुखी मंडल की तरफ से महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और आज हमने सच्चे मन से पूजा करें, अभिषेक करी। मैंने आज मैंने भोलेनाथ से बहुत सारे दुआ करी। आपको पता है वो दुआ क्या है? जो मैं जिस घर में भी जाती हूँ, मेरे जो बच्चे वाले हैं, सब मेरे अपने बच्चे वाले हैं, जो हमारे जजमान हैं कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। और शुरुआत मेरे बच्चे वालों से, सुख शांति, तंदुरुस्ती, बरकत, आयुष, आरोग्य, और उसके साथ साथ बच्चों के अच्छे फ्यूचर हो, करियर हो। जो निर्धनी है उनको धन दो, जो रोगी है उसको निरोगी करे, जिनके औलाद नहीं उनको औलाद दें। और उसके साथ साथ जो जिन काम के लिए भी, जो सच्चाई और अच्छाई, श्रद्धा और सब्र से जिन काम के लिए भी आप डालेंगे मेरे जजमान, वो सब काम सफल हो। दोस्तों, ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो भी जो युद्ध हो रही है, ये अगर आज यूक्रेन नाटो की सदस्य होता तो ये सब नहीं होता। अगर आज यूक्रेन अगर सदस्य होता तो सब 40-50 देश जो भी हैं वो सब इसको सहयोग करते और मदद करते और उसके साथ खड़े रहते हैं, कंधे पे कंधे मिला के खड़े होते। तो रशिया इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कभी नहीं करता। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, ये तो है ही है। हम तो इसी के लिए दुआ करी हूँ। मैंने सच्चे मन से दुआ करी हूँ कि अमन चमन शांति हो जाए और शांतिपूर्ण वार्त हो जाए और रशिया और यूक्रेन के बीच ऐसी बात हो जाए, वो शांतिपूर्ण वार्त से वो निपट जाए सब कुछ, और वर्ल्ड वार कहीं भी ना हो, है ना, यूक्रेन के साथ भी ना हो और पूरे दुनिया के अंदर किसी देश के साथ ना हो, और नाटो जैसी सदस्य संगठन बना के सबको कंधे पे कंधे मिला के लेके चलना चाहिए। इसी में इंसानियत की जय जय खा रहे अपनी मंगलमुखी बहनों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ। बहनों, आप सबको पता है जैसे यूक्रेन के साथ जैसी हो रही है, ऐसे युद्ध हमारे समुदाय के अंदर भी हो रही ना आजकल। जो बड़े बड़े पैसे वाले और जो बहुत दौलत वाले बन के जो छोटे छोटे डेरों को और छोटे छोटे नायकों को दबाना चाहते हैं और डेरे कब्जा करना चाहते हैं और एरिया कब्जा करना चाहते हैं ना, इसके लिए हम सब मिलके एक संगठन बनाना जरूरी है। मंगलमुखी मंडल से जुड़ना जरूरी है। मंगलमुखी मंडल हमेशा आप सबके साथ खड़ी रहेगी। देखिए, चाहे वो बड़े डेरे हो, चाहे बड़े नायक हो, चाहे वो छोटे डेरे हो, हम सब मिलके एक संगठन बना के जो मंगलमुखी मंडल की छत के नीचे हम सब एक संगठन बन के अगर आगे हम चलेंगे तो इससे हमारा एक अच्छा संदेश जाएगा हमारा देश के लिए, हमारा देशवासियों के लिए और हमारे अपने जिजमानों के लिए, है ना। क्योंकि हम दुआ करने वाले, हम मंगलमुखी से हम मंगल कामना करने वाले, तो हम अपने जिजमानों के लिए भी मंगल कामना करना चाहिए और अपने देश और दुनिया के लिए भी मंगल कामना करना चाहिए ना दोस्तों। मेरे बहनों, मेरे मंगलमुखी बहनों, आप सबसे निवेदन है और अनुरोध है, काजल मंगलमुखी और मंगलमुखी मंडल आप सबके साथ हमेशा खड़ी रहेगी और जो मजलूम है उनके साथ पहले खड़ी रहेगी, आपके साथ न्याय जरूर दिलाएगी और कोशिश चलते रहेगा और एक दिन न्याय दिला के दम लेगा मंगलमुखी मंडल के। आप सबकी प्यारी सी काजल मंगलमुखी सबको एक बार दिल से पूरे मंगलमुखी समुदाय की तरफ से महाशिवरात्रि की शुभकामना हो और भोलेनाथ सबके जीवन में खुशियाँ ले आए और पूरी दुनिया में अमन चमन शांति लाए और ये जो वर्ल्ड वार नाम की
जो दैत्य राक्षस को उखाड़ फेंके और पूरे दुनिया में शांति फैलाए, है ना। नमस्कार।